ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः उन्मते नमः ओम राम रामाय नमः ओम माति श्री नमो नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। शनि बकरी गोचर शतभिषा पूर्व भाद्रपद शतभिषा का रिटर्न बैक, और जब भी इस नक्षत्र में घुसते हैं नेचुरली बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लेमेबल बनता है। राहु के नक्षत्र में शनि और शनि के नक्षत्र में राहु, फिलहाल ये एक कंडीशन आने वाला समय के लिए जो चंद समय यहां पर रहेंगे और 30 साल तक यहां पर फिर नहीं आएंगे। हर एक का नक्षत्र फल ऑलरेडी वीडियो में बताया गया, लेकिन जब बकरी में आते हैं और बकरी में जो चंद दिन रहते हैं बड़े सारे उधम मचाते हैं। ऑलरेडी मैं बताया हूं कि क्या होता है शनि बाबा जब कुंभ राशि में, कई सारा वीडियो दे दिया हूं कुंभ राशि में नक्षत्र फल में क्या रिजल्ट होता है, और शनि कुंभ के शतभिषा में रिपुनाथ गते द्योने क्रूर भार्या विरोधिनी, शास्त्रकार जो बोले मैं उसे ही चलता हूं, हलता तो नहीं। प्रचंड क्लेश कत्तार सौम्या बंध्या प्रकृतिता सप्तमे स गते दूते पुण्य सूक्ष्म कलत्रकम निर्मल शिल संताश्च तेजस्वी पुत्र संभवात। पहला लाइन क्या बोलता है, प्रचंडा क्लेश कर्ता च सौम्य बंध्या प्रकृतिता। प्रचंड क्लेश, बकरी अवस्था में अगर शनि यहां जाते हैं तो प्रचंड क्लेश उत्पन्न करते हैं। सप्तभेश गते दूते पुण्य सुख्यम कलत्रकम निर्मल शिल संताश्च तेजस्वी पुत्र संभवे। लेकिन एक बात है कि इस समय जितने बच्चे जन्म होंगे बड़े तेजस्वी रहेंगे। सो कुंभ का मूल त्रिकोण का शनि बकरी हो जाए और फिर वक्रत्व का भी आखिरी कंडीशन में पहुंच जाए तो अतिवीर्यवान बनते हैं। और सबसे पहला बात, अब तक जिसका काम नहीं निकल रहा था काम निकल जाएगा, और बड़े सारे कार्य अभी देखना होते हुए नेगेटिव इंपैक्ट मेदिनी ज्योतिष के अनुसार तो बहुत कुछ देखने में आएगा। जो युद्ध चल रहा है भगवान ना करे, यहां बताया भी गया है कि शतभिषा में शनि का स्थिति कहीं ना कहीं एटॉमिक बॉटम के पीछे पड़ जाए, चलेगा नहीं चलेगा अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का दुर्घटना का संभावना कहा नहीं जा सकता। और जितने सारे हमारे तेल वाला देश है, केतु वालों का देश है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं। इस समय शतभिषा वाले अगर आपके पिता वृद्धत्व में हैं, बुढ़ापे में हैं, रोगग्रस्त हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, आप लोगों को बड़ा ख्याल रखना चाहिए। डैश 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 फिलअप आप कर लेना, बोलना नहीं चाहता। फिर यहां से रिटर्न बैक जब चलेंगे शतभिषा पूर्व भाद्रपद, ये इनके पिताएं थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मकर लोगों के लिए अगर बात करते हैं तो ये शतभिषा में रिटर्न बड़ा लाभ दिख रहा है इनके लिए। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा धनिष्ठा मकरु, क्योंकि शतभिषा में जन्म संपत्ति तारा में आता है तो जो बाकी रखा था नहीं देने के लिए वो देंगे, मिलेगा। मैं तो कहूंगा मिल चुका होगा, किसी किसी को अनवांटेड मिल चुका होगा, कुछ नया द्रव्य प्राप्ति का योग है। अगला वीडियो का इंतजार करिए, क्या क्या द्रव्य इस समय आपको घर में रखना चाहिए तीसरा शनि के लिए, मैं बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं। टाइम नहीं मिल रहा है, बड़ा व्यस्तता में चल रहा है, अभी फिर कल से नवरात्र, मुझे तो नहीं पता कैसे करूं, इसीलिए मैं लंबा वीडियो दे भी नहीं पा रहा हूं आजकल। बहुत सारे लोगों का डिमांड कॉल आ रहा है लेकिन नहीं दे पा रहा हूं। एनी थिंग इट मे बी, भले 10-20 मिनट में खत्म करूंगा लेकिन एकदम क्रीम पॉइंट बता दूंगा कि भाई ये ला के रख लो। ठीक है,
नेक्स्ट है श्रवणा, मकरू का श्रवणा इनके लिए थोड़ा विपद तारा में जा सकता है, एक्सीडेंटल इंपैक्ट का बहुत संभावना है, थोड़ा सा सावधान रहना। उत्तर भाद्रपद मकरू आपके लिए अच्छा रहेगा, क्षमा तारा में है, बड़े सारे द्रव्यों का एक यहां भी योग दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो गुम हो गया था, हच गया था या कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो गया था, आपको मिलने का भी संभावना दिख रहा है। लेकिन जिनके कुंडली में ये चंद्रमा पंचम पड़ रहा है यानी कन्या का साथ, और यहां पर जब आ रहे हैं शनि वर्गस्ते चंद्रे संयुक्ते पंचमे सदा भवने, इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, इनका विष योग है। हाँ, वो लोग जो विष योग को फिल्टर लगा दिए हैं, जैसे जैसे उनको बोला था हनुमान कवच वगैरह के लिए, उनके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, चलेगा। लेकिन ये रिटर्न बैक कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। मंदम सुतक्ष बिंदु निरिधि निरीक्षते यदि शनिश्चरम युतम तत्तक पुत्रे पति कृतश्च बुधस् बुधस्तः चैवम स्यात्। यानी ऐसे कंडीशन में शनि अगर कुंभ में होके पंचम भाव हो रहा हो, सॉरी ये तुला के लिए,